अब ये बूढ़ा शेर इस मासूम को गुर्राते हुए यहाँ से भगाता है और कहता है कि दोबारा कभी वापस मत आना। ये मासूम यहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर लकड़बग्गो का झुंड आता है। ये शेर उनसे कहता है खत्म कर दो उसे। ये दरिंदे उसे मारने उसकी तरफ जाते हैं। तभी ये मासूम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था और अभी इसके पिता को मरे हुए कुछ ही देर हुई थी। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अपने सगे ही हमें गिराने की योजना बनाते हैं। अब वो मासूम पहाड़ के आखिरी छोर पर पहुंच गया था और वो नीचे गिर जाता है। क्या इस मासूम का सफर यहीं तक था? क्या वो अपने पिता का बदला नहीं ले सकता? और ये लोग उसे देखते हैं। इनको लगता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो मर चुका होगा और वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ ये बूढ़ा शेर एक और अपनी चाल चल रहा था। ये इन सभी से कहता है कि मुझे मेरे बहादुर भाई और भतीजे के मरने का बहुत दुख है। भैया जैसा बहादुर कोई नहीं था। और कहता है कि यहाँ का पूरा राज्य अब मेरे हवाले है और आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ। ये सभी लोग सिम्बा के परिवार वाले थे और ये बूढ़ा शेर कहता है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेले नहीं संभाल सकता। तभी वहाँ पर फिर से बहुत सारे लकड़बग्गे आते हैं। ये सारे लकड़बग्गे इस शेर के साथ थे। दोस्तों सिम्बा के साथ क्या हुआ देखेंगे पार्ट 4।